अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो फोन के बारे में और इन दोनों फोन को कंपेयर करने वाले हैं। इस सीरीज में हमें तीन फोन देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी तीसरे फोन के बारे में हमें कोई एस्पेक्ट नहीं है कि कौन सी स्पेसिफिकेशन उसमें देखने को मिलेंगी, लेकिन इन दोनों फोन के बारे में बिल्कुल एस्पेक्ट है और इन दोनों फोन की अलग अलग वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। लेकिन आज हम कंपेयर करने वाले हैं। दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि यार इसका एक कंपेयर बनाओ दोनों स्मार्टफोन का, कि इनमें से हमें कौन सा बेस्ट देखने को मिलता है, किसमें हमें ज्यादा स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है और किसमें हमें ज्यादा प्राइस देखने को मिलती है और किसमें कम देखने को मिलती है। तो वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा, इन दोनों डिवाइसेस के बारे में आपके तमाम डाउट क्लियर होने वाले हैं। अब यहां पर दोस्तों तीसरा फोन हमारे पास मौजूद नहीं है जो कि इस सीरीज में Vivo T1X के नाम से जो लॉन्च किया जाएगा, लेकिन अभी एक्सपेक्ट नहीं है कि कब लॉन्च किया जाएगा और कौन से स्पेसिफिकेशन के साथ लॉन्च किया जाएगा। लेकिन हमारे पास दो स्मार्टफोन मौजूद है, Vivo T1 और साथ में Vivo T1 Pro। जी हां, अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों इस फोन के डिजाइन की। इन दोनों स्मार्टफोन में हमें जो डिजाइन देखने को मिल जाता है भी देखने को मिलता है, कुछ कलर्स का फर्क देखने को मिल जाए और साथ में बैक कैमरा जो है वो हमें अच्छा डिजाइन के साथ देखने को मिल जाता है अलग अलग। और साथ में दोस्तों इन फोन में हमें जो चीजें देखने को मिलती हैं ये थोड़ी सी हमें चेंज देखने को मिलेगी। मतलब अगर दोस्तों Vivo T1 की अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो ये फोन हमें इंडिया के मार्केट में 18,000 के अराउंड देखने को मिलेगा और पाकिस्तान के मार्केट में आपको 35,000 या 40,000 के अराउंड देखने को मिल जाएगा, जो कि लास्ट वेरियंट आपको इंडिया में जो कि 8GB वाला आपको वेरियंट देखने को मिलेगा वो आपको 18,000 में देखने को मिलेगा। बाकी जो उससे नीचे वेरिएंट है तो उससे नीचे ही आपको प्राइस देखने को मिलेगी। जी हाँ, अब यहां पर अगर मैं बात करूं Vivo T1 Pro की तो ये पाकिस्तान की मार्केट में 40,000 से 45,000 के राउंड देखने को मिलेगा और इंडिया के मार्केट में आपको 20,000 से 23,000 से 22,000 के राउंड देखने को मिलेगा। अब यहां पर दोस्तों इन स्मार्टफोन की कुछ स्पेसिफिकेशन जाहिर करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें हमें कौन सा स्मार्टफोन ज्यादा बेस्ट रहता है। जी हाँ, अब यहां पर डिस्प्ले साइज की बात की जाए तो हमें Vivo T1 में 6.58 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और साथ में IPS LCD का पैनल देखने को मिलता है। जी हाँ, अब यहां पर Vivo T1 Pro की अगर मैं बात करूं तो इसमें भी हमें 6.58 इंच का फुल HD+ रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा और साथ में IPS LCD का पैनल देखने को मिलेगा। जी हाँ, अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं इन फोन्स के परफॉर्मेंस वाइज की, तो ये ना सिर्फ परफॉर्मेंस वाइज बल्कि कैमरे वाइज भी आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। लेकिन हम पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो Vivo T1 में हमें एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है और चिपसेट हमें Qualcomm Snapdragon का 695 का देखने को मिलता है और साथ में 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। ये 6 नैनोमीटर की बेस पर इसका चिपसेट देखने को मिलता है। अब कुछ लोगों को यहां पर नैनोमीटर नहीं पता होता कि भाई क्या होता है। अब जितने नैनोमीटर कम होंगे उतनी ही परफॉर्मेंस इन्हें हैंडसम होगी। तो अब बात करते हैं दोस्तों Vivo T1 Pro की, तो इसमें हमें एंड्रॉइड V12 का ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा और साथ में चिपसेट की बात करें तो इसमें हमें Qualcomm Snapdragon का 778 का देखने को मिलेगा और इसमें भी हमें 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, बराबर हमें नैनोमीटर देखने को मिल रहा है लेकिन यहां पर हमें चिपसेट में फर्क देखने को मिला है दोनों स्मार्टफोन में, जो कि यहां पर Vivo T1 में हमें 695 का देखने को मिल जाता है और Vivo T1 Pro में हमें 778 का देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अब इतना फर्क हमें देखने को मिलता है लेकिन नैनोमीटर हमें सेम ही देखने को मिलती है जो हमारी गेमिंग पावर को एनहांस करता है। जी हाँ, अब यहां पर दोस्तों रिफ्रेश रेट की हम भूल गए कि हमें स्टार्टिंग में ही बात करनी थी, जो कि रिफ्रेश रेट हमें अच्छा देखने को मेरा दोनों स्मार्टफोन में ही हमें 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। दोनों डिवाइसेस में आपको इतना देखने को मिलता है, अच्छा देखने को मिलता है। अब यहां पर दोस्तों अगर हम बात करें CPU की तो हमें दोनों डिवाइसेस में ऑक्टा कोर का CPU देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूं Vivo T1 Pro की तो इसमें हमें जो GPU देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है Adreno का 619, लेकिन यहां पर हमें जो Vivo में देखने को मिला है Vivo T1 में तो इसमें भी हमें Adreno का 619 देखने को मिल जाता है। जी हाँ, अब यहां पर दोस्तों बात करते हैं फोन्स की कैमरे वाइज की, तो Vivo T1 में हमें देखने को मिलता है बैक साइड पर ट्रिपल सेटअप कैमरा, जो कि मेन सेंसर हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है और सेकंड हमें 2 मेगापिक्सल का और थर्ड B2 मेगापिक्सल का। फ्रंट सेल्फी शूटर देखा जाए तो हमें इसमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। अगर बात की जाए Vivo T1 Pro की तो इसमें हमें मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है और सेकंड हमें 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बस यहां पर हमें 8 मेगापिक्सल प्रोवाइड किया गया, बाकी हमें Vivo T1 जैसा ही देखने को मिलता है। यहां पर थर्ड हमें 2 मेगापिक्सल का और सेल्फी शूटर भी हमें 16 मेगापिक्सल का। जी हाँ, बाकी हमें सिर्फ सेकंड हमें दिया गया है, बाकी जो चीजें हमें कैमरे में देखने को मिल रही है वो Vivo T1 जैसी ही देखने को मिल रही है, लेकिन प्रो में हमें सिर्फ सेकंड को थोड़ा सा इंप्रूव किया गया, बाकी जितने भी कैमरे हैं
तो वो हमें सेम ही देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर जो हमें चिपसेट अच्छा देखने को मिल चुका है, जो कि चिपसेट हमें अच्छा ही प्रोवाइड किया गया है, बाकी जो हमें कैमरे में थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है, बाकी अगर मेन सेंसर हमें थोड़ा सा इंप्रूव देखता यहाँ पर 64 होता तो अच्छा लगता, क्योंकि इस फोन आखिर प्रो है, प्रो में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, लेकिन चिपसेट में इंप्रूव हुई है, बाकी हमें कैमरे सेंसर में हमें थोड़ी सी इंप्रूव दिखी है, बाकी मेन सेंसर में हमें 64 दिया जाता तो अच्छा रहता। लेकिन खैर अब यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों इन फोन्स की वेरिएंट की, तो अगर मैं बात करूँ वीवो टी वन की तो इसमें हमें 3 वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, जो कि 4GB 6GB 8GB के साथ 128GB मेमोरी देखने को मिलेगी। अगर दोस्तों मैं बात करूँ वीवो टी वन प्रो की तो इसमें हमें 8GB रैम के साथ 128GB मेमोरी देखने को मिलेगी, और इन दोनों फोन में हमें माइक्रो एसडी कार्ड का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं फोन के फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो हमें साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है वीवो टी वन में, और वीवो टी वन प्रो में अगर बात करें तो इसमें भी हमें साइड पर फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें बैटरी की तो इन फोन में हमें दोनों में सेम ही देखने को मिलेगी, जो कि 5000 mAh बैटरी पावर देखने को मिलती है, और साथ में 18W का चार्जर देखने को मिलता है। अब इन दोनों फोन में हमें इतनी खास तो चेंजिंग नहीं देखने को मिली है, जो कि प्रो में हमें खास चेंजिंग देखने को मिलनी चाहिए थी, जो कि हर चीज में हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलनी थी, लेकिन थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट होती, लेकिन यहाँ पर हमें IPS LCD का डिस्प्ले देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर हमें OLED दिया जाता, यहाँ पर अगर AMOLED नहीं दिया जा रहा था लेकिन हमें OLED दे दिया जाता, लेकिन यहाँ पर हमें IPS LCD का डिस्प्ले दिया गया है, लेकिन खैर अच्छा है, लेकिन डिस्प्ले साइज भी हमें सेम ही देखने को मिला है। कुछ चीज़ें हैं जो हमें सेम देखने को मिली, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें चेंज देखने को मिली। जो लोग तो यूज़ करते हैं गेमिंग परफॉर्मेंस, उनको तो पता चल ही गया होगा कि प्रो में हमें अच्छी ही परफॉर्मेंस देखने को मिली है, लेकिन जो नॉर्मली है, जो कैमरे वाइज को ज़्यादातर देखते हैं लोग, खास खास चीज़ों को देखते हैं, जो हर बंदे जानता है कि यार इसमें इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन जो खास फीचर है, जो खास स्पेसिफिकेशन है, उसको इम्प्रूव कर दिया है वीवो ने। जी हाँ, बहुत ही अच्छा हमें स्मार्टफोन देखने को मिलेगा वीवो T1 प्रो, और अगर आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करना चाहते हैं, एक अच्छी वैल्यू वाला करना चाहते हैं, अगर आप कम रेंज वाला स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो वीवो T1 ले सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा वीवो T1 प्रो। जी हाँ, अब यहाँ पर तीसरा स्मार्टफोन अभी एक्सपेक्ट नहीं है, जैसे ही एक्सपेक्ट होगा तो मैं आपको उस पर वीडियो बना के दूंगा, वो भी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि वीवो T1X है। जी हाँ, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तो बिल्कुल प्रेस कीजिएगा। तो चलिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट